मुख्तार अंसारी के करीबी सहित 3 करोड़ की संपत्ति कुर्क करने के आदेश। मुख्तार अंसारी के करीबियों पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। इसी क्रम में मऊ जिलाधिकारी अरुण कुमार ने सुरेश सिंह की 20 लाख की संपत्ति कुर्क करने का निर्देश दिया है। साथ ही कोपागंज के 2 लोगों की 7 करोड़ की संपत्ति कुर्क करने का निर्देश दिया। मुख्तार अंसारी के करीबियों पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। इसी क्रम में मऊ जिलाधिकारी अरुण कुमार ने सुरेश सिंह की 20 लाख की संपत्ति कुर्क करने का निर्देश दिया है। साथ ही कोपागंज के 2 लोगों की 7 करोड़ की संपत्ति कुर्क करने का निर्देश दिया। जिला प्रशासन की इस कार्रवाई से हड़कंप की स्थिति बनी रही, वहीं यह कार्रवाई चर्चा का विषय बनी रही। डीएम ने मुख्तार के करीबी घोसी कोतवाली के पकड़ी निवासी सुरेश सिंह पुत्र स्वर्गीय ललन सिंह और उसके पुत्र विवेक सिंह के नाम से वाहन संख्या UP 65CT 8194 बस टाटा LPO को कुर्क करने का निर्देश दिया। इसकी कीमत करीब 20 लाख रुपए है। जबकि संजय जायसवाल तथा संतोष जायसवाल पुत्र छेदीलाल जायसवाल निवासी रईसा थाना कोपागंज तथा हालपता ग्राम बहरामपुरा थाना मधुबन की संपत्ति कुर्क करने का निर्देश दिया। जय जायसवाल द्वारा अपने तथा अपनी पत्नी नीलम देवी के नाम मौजा उफरौली हिराजपट्टी तहसील मधुबन में 2 जमीनों पर आलिशान मकानों का भी निर्माण अवैध तरीके से अर्जित धन द्वारा किया गया था, जिसकी कीमत करीब 2,42,47,645 रूपए है। इसके खिलाफ थाना कोपागंज में कई मामलों में आपराधिक मुकदमे दर्ज है। वहीं संतोष जायसवाल ने भी अवैध तरीके से अर्जित धन द्वारा अपने व पत्नी ममता जायसवाल एवं पुत्र रवि एवं राहुल जायसवाल के नाम से मौजा बहरामपुर तहसील मधुबन में जमीनों एवं कई वाहनों का कर्ज किया था, जिनकी कुल अनुमानित मूल्य लगभग 3,66,44,842 रूपए है। संतोष जायसवाल के खिलाफ भी थाना कोपागंज में कई आपराधिक मुकदमे दर्ज है। जिलाधिकारी अरुण कुमार ने कहा कि अवैध रूप से अर्जित धन द्वारा निर्मित संपत्तियों के खिलाफ अभियान चलाकर कुर्क की कार्रवाई की जा रही है। जिन लोगों ने भी इस प्रकार से चले व अचल संपत्तियों का निर्माण किया है, उनके खिलाफ भी कुर्क की कार्रवाई की जाएगी।